बुरा क्यों फील कर रही है गोदा? अरे तेरे को ऐसा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी और मलार तेरी नफरत के ही लायक हैं। अरे यही लोग हैं जिनकी वजह से आज तेरे बाबा जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हीं की वजह से तेरे भाई नल की मौत हुई थी। अरे इन्हीं की वजह से तेरी आई तेरी बहन पल्लवी डिप्रेशन में आकर तुझसे दूर मुंबई चली गई। इन लोगों ने तेरे को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया है रे। तू सोच, तेरे को पॉकेट मनी तक नहीं देते थे ये लोग। और अगर आज तेरा मामा अथर्व नहीं आया होता तो ये लोग तो तुझे कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर देते। लेकिन देख गोदा, मैंने तूने जितने पैसे मांगे उतने दिए तेरे को। और परिवार ऐसा ही होता है रे। पर इस तरफ ये लोग पूरे दिन सिर्फ कल्याणी 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 करते रहते हैं। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है तेरी। आओ साहेब को भी नहीं, आओ साहेब को भी तेरी कोई चिंता नहीं है गोदा, कोई। लेकिन कोई तो है ना जो उसकी मदद कर रहा है। क्यों, तुम्हें अथर ने तो कहा था ना कि वो तुम्हें बताने वाला था जो उसकी मदद कर रहा है घर में से। हाँ। और संपदा, उस दिन के प्लान को पूरा करने का वक्त आ गया है। आज कुछ भी करके मैं अथर्व से सारी सच्चाई उगलवा के रहूंगी। अच्छा गोदा, तूने कल्याणी का लॉकेट फेंक दिया था ना? मामा वो तो मैं नहीं कर पाई। कल्याणी ताई की साड़ी पर मैंने जूस गिरा दिया था, लेकिन आओ साहब ने वो लॉकेट अपने पास रख लिया। बोला कि वो साफ करके मंदिर में रख देगी, लेकिन जब मैं मंदिर गई तो वो लॉकेट नहीं था वहाँ पर। यानी कि कल्याणी ने वो लॉकेट फिर से पहन लिया होगा, है ना? वो लॉकेट उसके बाद कल्याणी ताई ने नहीं पहना। तो फिर वो लॉकेट गया कहाँ? चलो अच्छा है, क्योंकि इस लॉकेट के बिना संपदा की आत्मा के लिए बहुत आसान हो जाएगा कल्याणी के शरीर में वापस जाना। अब बस संपदा से बात करके ये पता करना है कि उसका प्लान क्या है मलार को मारने का। चल ठीक है, तू जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ गोदा, वो दवाई जो तू कल्याणी को दे रही है वो उसे मिलती रहनी चाहिए, ताकि वो इसी डिप्रेशन में रहे कि उसे बच्चे हो ही नहीं सकते। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक संपदा की आत्मा के लिए बहुत आसान हो जाएगा कल्याणी के शरीर में जाना। लेकिन मामा वो दवाई का पैकेट खत्म हो गया है। ए तो ये ले और पैकेट खरीद ले, लेकिन दवाई रुकनी नहीं चाहिए। गोदा किसकी गाड़ी से उतरी? कहाँ चली गई? परेशान लग रही थी। गोदा किसी मुसीबत में नहीं है ना?